सवाल नंबर एक, भारत में आधार कार्ड की अवधि कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष या फिर लाइफ टाइम तक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाइफ टाइम तक। सवाल नंबर दो, दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है भारत देश, चीन देश, सन मारिनो देश या फिर अमेरिका देश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन मारिनो देश। सवाल नंबर तीन, ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? आपके ऑप्शन है 15,000 मजदूरों ने, 20,000 मजदूरों ने, 25,000 मजदूरों ने या फिर 30,000 मजदूरों ने। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20,000 मजदूरों ने। सवाल नंबर चार, पृथ्वी के अंदर खनिजों की खुदाई को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है खेती करना, वन विज्ञान, खनन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खनन। सवाल नंबर पाँच, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? आपके ऑप्शन है भारत सरकार, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर वित्त आयोग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक। सवाल नंबर छः, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, सूरत में या फिर मुंबई में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। सवाल नंबर सात, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जापान, भारत, चीन या फिर इंग्लैंड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। सवाल नंबर आठ, घोड़े का औसत जीवन काल कितना होता है? आपके ऑप्शन है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 55 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष। सवाल नंबर नौ, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। सवाल नंबर दस, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर नागार्जुन सागर बांध। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। सवाल नंबर 11, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं वोटर कार्ड को, पैन कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को या फिर उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट कार्ड को। सवाल नंबर 12, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं केरल,
पंजाब, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर।